आज अभी हम मध्य प्रदेश में प्रवेश किए हैं और खरगोन के पास सेंचुरी मिल के पास आज हम आए हैं। यहाँ बहुत भारी स्वागत हमारा सेंचुरी के मजदूरों की तरफ से हुआ है और अभी ये जत्था इंदौर से लेकर रतलाम से लेकर कोटा राजस्थान में आज रात तक जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की ताकत आज इस देश में सबसे बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र के साथी हम हैं, हम देख रहे हैं कि 40,000 का मोर्चा जब इन्होंने निकाला था पालघर से लेकर मुंबई तक, तब एक प्रकार से उनका रंग छाया हुआ था और वो जिन विधायक के नेतृत्व में निकला था वो जीवा पांडू गावित जी आज यहाँ मौजूद थे और कॉमरेड अशोक धवले और कॉमरेड अजीत नवले जी, ये भी सतत किसान मजदूरों के आदिवासियों के लिए संघर्षरत है। ये जो किसान आए हैं, ये किसान पूरे ये सरकार को बताने जा रहे हैं कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों के तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन पूरा वो जो कर रहे हैं, ये पूरे देश के किसानों का जो असंतोष है, असंतोष उसमें से व्यक्त हो रहा है और वो असंतोष महाराष्ट्र के किसानों में भी है। इन्होंने अब ये 3,000 से 4,000 तक के लोगों को लेकर दिल्ली में जाना तय किया, क्योंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की समिति में हमारे साथ वो भी शामिल है और जो निर्णय हुआ है कि संकल्प एक ही है, 3 कानून रद्द करवाने का, नहीं इस बीच का संशोधन मंजूर करने का। और मोदी सरकार जवाब सही देने के बदले, किसानों के स्थान और सम्मान देने के बदले क्या कर रही है, अडानी और अंबानी को स्थान सम्मान दे चुकी है और इसीलिए उनके गोडाउन्स बनना चालू हुआ है। उन्होंने हजारों एकड़ गुजरात की ही नहीं हरियाणा की भी जमीन हड़प ली है। तो आज 42 किसानों की शहादत होने के बाद, जिनमें 2 आखिरी शहीद हुए हैं, उन्होंने तो आत्महत्या कर दी है और अपनी सुसाइड नोट में लिखा है कि सरकार जिस प्रकार से किसानों को परेशान कर रही है उसके कारण आत्महत्या कर रही है। लेकिन देश भर में 17 मिनट में एक किसान की आत्महत्या हो ही रही है। तो इस सब चीज को परिवर्तन लाने के लिए, बदलने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसका चलो दिल्ली का आह्वान है, पर राज्य राज्य में चलो गली का भी आह्वान है। मोदी जी ने किसान के खिलाफ जो 3-4 कानून बनाए है, काले कानून, इस काले कानून के विरोध में हमारी लड़ाई जारी है और जिस तरह हरियाणा पंजाब के किसान वहाँ पर बैठे हुए 25-26 दिन से, उसी तरह हम भी ये जब तक सरकार काले कानून पीछे नहीं लेती तब तक हम वहाँ पर बैठेंगे, भले अपनी जान भी गंवा जाए तो हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। ये जो कृषि जो कानून है जो किसान विरोधी है, कॉरपोरेट के पक्ष में है, उनको तुरंत रद्द करना चाहिए। बिजली का जो बिल है उसको वापस लेना चाहिए और देश के हर किसान के हरेक उपज को आज न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी देने वाला कानून बनना चाहिए। इसके लिए हमारा संघर्ष आज पूरे देश भर में चला है। देखिए, 21 तारीख से हम निकले थे चलने के लिए, तो ज्यादातर किसान जो आए हैं वो नासिक से है, यानी पालघर से है, अहमदनगर से है, जुटे थे सैकड़ों की तादाद में, लेकिन बढ़ते जा रहे हैं और सभी किस्म के किसान इसमें शामिल है। जैसे कि दूध उत्पादक किसान है, मक्का उत्पादक किसान है, सोयाबीन उत्पादक किसान है, कपास उत्पादक किसान है, अलग अलग तबके से आए हुए किसान हैं और जो बुनियादी मांग है कि कृषि उपज को सही दाम मिलना चाहिए, तो इसके इर्द गिर्द लड़ाई को हम जुटाए हुए हैं और उसके लिए बढ़ रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा जैसे जन आंदोलनों का हमारा राष्ट्रीय समन्वय, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऐसे 250 संगठनों का जो समन्वय बना है उसका हिस्सा भी है और अब 500 संगठनों के सभी समन्वयों का समन्वय बनवाकर संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आंदोलन जारी है। आंदोलन पंजाब और हरियाणा की पूरी ताकत जिन्होंने निकाली है, जो गुरु गोविंद सिंह के चेले हैं, जिन्होंने आजादी आंदोलन में 2100 की शहादत दी है, उनके नेतृत्व में ही चल रहा है, ऐसा मानने को हम तैयार हैं। लेकिन सच तो ये है कि पूरे भारत में
तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, हर राज्य में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित आज किसान आंदोलन पर उतरे हुए हैं। जगह जगह हम लोगों का स्वागत किसानों ने किया, सभी पार्टियों के लोगों ने किया, बीजेपी को छोड़कर। अभी हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो महाराष्ट्र में हमारे किसान भाइयों को जो पहले तो एमएसपी का कोई जो सरकार बोलती है कि भाई संवैधानिक आयोग के अनुसार हमने दर देना शुरू किया है या जाहिर किया है, वो कोई मिल नहीं रहा। हालांकि किसानों की आत्महत्या चल रही है। 3000 के करीब किसान नासिक में शामिल हुए, बाकी भी अलग अलग लोग उसमें आए थे। उसके बाद जलगांव है, धुले है, मालेगांव है, वहाँ भी किसान जुटते रहे। आज अब मध्य प्रदेश में आए हैं, वहाँ भी अलग अलग किसान संगठन है, समाज सेवी संगठन है, वो आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। बीमा कंपनियाँ जैसा रिलायंस वाला का बीमा है, वो बीमा कंपनी पैसा जमा कर ली, मगर बीमा कंपनी सही तरीके से किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो बारिश की वजह से इतना नुकसान हुआ महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा हुआ, उसके बाद विदर्भ में हुआ और बाकी महाराष्ट्र में भी किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ बारिश की वजह से। मगर फसल बीमा योजना खाली रिलायंस के लिए है, किसानों के लिए नहीं, ऐसा साबित हो रहा है।